डेफिनेटली मैं करना चाहूँगा, बिग बॉस मैं करना चाहूँगा, खतरों के खिलाड़ी मैं करना चाहूँगा, खतरों के खिलाड़ी तो स्पेशली मैं करना चाहूँगा। बिग बॉस के लिए ऑफर्स आए हैं, कई चीज़ें जो होती हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग बॉस, लॉट ऑफ रियलिटी शोज़, कुछ चीज़ें स्क्रिप्टेड भी होती हैं। हाय नील, वेलकम टू टेलीबाइट्स। तो क्या कहना है, क्या प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं आप अभी, और फिलहाल अभी टेलीविजन से क्यों ब्रेक लिया? टेलीविज़न से मैंने ब्रेक नहीं लिया है, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर समथिंग वेरी ग्रेट, क्योंकि अभी तक बहुत कुछ कर चुका हूँ टेलीविज़न में। अब मैं चाहता हूँ कुछ यूनिक हो जिसमें मुझे परफॉर्म करने का मौका मिले, कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अच्छा सा कुछ हो। टेलीविज़न में करना चाहता हूँ, बट मुझे वेब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, एंड आई हैव ऑलरेडी डन टू वेब्स, दो अभी पाइपलाइन में है, एक शायद इस मंथ में फ्लोर पर जाए, एंड म्यूज़िक वीडियोज़ है विच आई ऑलवेज लव टू डू, वो चल रहे हैं, एड्स चल रहे हैं, तो ये सब चल रहा है अभी। क्योंकि टीवी करने के बाद काफ़ी एक्टर्स जो चूज करते हैं, जैसे आपने कहा वेब सीरीज है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया, जो रियलिटी शोज भी स्विच करना पसंद करते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है टीवी इज़ लाइक 9 to 5 जॉब, जहाँ हमारे वैसे तो 9 to 5 नहीं होता है, 9 to 9 होता है, उसमें भी कई बार हो जाता है लेट। आफ्टर अ सर्टन टाइम मुझे लगता है, एक शुरुआत हम जब करते हैं तब ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आप सोते नहीं हैं, कंटिन्यूसली काम करते हैं, बट आपको हेल्थ भी देखनी होती है। वेब की ख़ास बात यह है कि आपको पहले से बाउंड स्क्रिप्ट मिल जाती है, आप उस पर काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, और आपके कैरेक्टर्स को और अच्छी तरीके से दर्शा सकते हैं, यू नो। तो मुझे लगता है वेब इसीलिए मैं करना चाहता हूँ, ताकि मैं अपना कुछ समय अपनी फैमिली को, खुद को भी दे पाऊँ। ओके, अगर रियलिटी शोज की बात करें तो जैसे झलक है, बिग बॉस है, खतरों के खिलाड़ी है, आपको क्या उसके ऑफर्स आए, अप्रोच किया गया है, या कभी अगर किया जाए तो क्या आप दिलचस्पी रखते हैं ये करने? डेफिनेटली मैं करना चाहूँगा, बिग बॉस मैं करना चाहूँगा, खतरों के खिलाड़ी मैं करना चाहूँगा, खतरों के खिलाड़ी तो स्पेशली मैं करना चाहूँगा। बिग बॉस के लिए ऑफर्स आए हैं, इस बार भी मेरी बात हो रही थी, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, लेकिन 2 साल पहले ऑलमोस्ट फाइनल था, बट उसी वक्त कोइंसिडेंटली एक और प्रोजेक्ट चल रहा था जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और आई चोज दैट प्रोजेक्ट ओवर बिग बॉस। लेकिन अगर बात करें कि इस सीजन में जो है आपके दोस्त अभिषेक भी उसके अंदर नजर आ रहे हैं, जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है उनका, क्योंकि काफ़ी डांट पड़ रही है उन्हें उसके अंदर? मुझे एक्चुअली सच बताऊं तो मुझे नहीं पता कि बिहाइंड द स्क्रीन क्या बात होती है, या इफ़ इट्स स्क्रिप्टेड, या अपेरेंटली व्हाट आई नो इज़ कई चीज़ें जो होती हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग बॉस, लॉट ऑफ रियलिटी शोज़, कुछ चीज़ें स्क्रिप्टेड भी होती हैं, उसको डांट पड़ रही हैं तो उसके अच्छे के लिए पड़ रही हैं, अभी वो बहुत यंग है, कई बार ऐसे वक्त पे हम समझ नहीं पाते हैं, सूझबूझ नहीं होती, हम कुछ भी कर जाते हैं, तो मुझे लगता है उसके लिए अच्छा ही है अगर डांट पड़ रही है, और डांट भी पड़ रही है सलमान सर से, जिनको इतना एक्सपीरियंस है हर चीज़ का और ज़िंदगी का, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बिग बॉस के घर से जब निकलेंगे तो निखर के निकलेंगे। ओके, तो क्या कहना चाहेंगे, आप दोनों दोस्त भी रह चुके हैं अभिषेक और आप, और जो मतलब लोग कमेंट्स जो कर रहे हैं वो अभिषेक को फेक बोल रहे हैं, अगर आपने थोड़े बहुत ग्लिम्स भी देखे होंगे, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि अभिषेक फेक चीज़ें दिखा रहे हैं या वो उनकी पर्सनैलिटी वैसी है? देखिए, मैंने अभिषेक के साथ बहुत वक्त नहीं बिताया, बेकाबू के सेट्स पे ही जो बातें होती थी, कभी 15 मिनट, कभी आधा घंटा बैठ के, तो वो मुझे बहुत जेन्युइन बंदा लगा, मुझे कहीं पे भी नहीं लगा कि वो कुछ फेक कर रहा है, बट अगर ऐसा लोगों को लग रहा है तो मुझे लगता है टाइम इज़ द आंसर, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा धीरे धीरे सारी चीज़ें रिवील होंगी, हम आधे एक घंटे में किसी को जान नहीं पाते, बट जितनी मेरी सेंस कहती है कि वो अच्छा इंसान है, अच्छा लड़का है, और वक्त ही बताएगा कि वो एक्चुअली जेन्युइन है या फेक। ओके, तो क्या कहना चाहेंगे नीला आप अपने बारे में, कि मतलब अगर अभी आपको कोई प्रोजेक्ट चूज करना है, लाइक टेलीविजन शोज में या किसी भी, तो आप किसके साथ मतलब काम करना पसंद करेंगे? टेलीविज़न में मैं सिद्धार्थ सर के साथ करना चाहूँगा, स्वास्तिक प्रोडक्शंस, मैंने उनके शोज़ देखे हैं, वंशज के लिए भी मुझे कहा गया था, उस टाइम पे मैं बेकाबू और छलांग कर रहा था, तो वंशज के लिए डेट्स नहीं मैच कर पा रही थी, लेकिन वो इतना ग्रैंड शो है, इट वाज लुकिंग रियली ग्रैंड, मैं हैट्स ऑफ के साथ करना चाहूँगा। तो अभी ये प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो मुझे लगता है बहुत क्वालिटी के शोज़ बनाते हैं, बालाजीज़ अगैन, मैंने तो ज़िंदगी भर बालाजी में ही काम किया, एंड आई ऑलवेज loved working with Balaji. तो ये 3-4 productions हैं जो मेरे favorites हैं। Lastly, क्या message और fans को क्या कहना चाहोगे? Thank you very much मुझे इतना प्यार देने के लिए, हमेशा से मुझे लगता है मैं survive कर पाया हूँ तो आपके प्यार की वजह से, because मुझे ये मेरी personal feeling है, because I am spiritual and I understand how universe works, तो मुझे लगता है कि जब आपके लिए कोई आपके behind भी अगर कहता है कि अच्छा बंदा है या अच्छी acting करता है, तो ये एक signal जाता है universe को, और यूनिवर्स आपको एक ब्लेसिंग
आपके तरफ भेजता है, तो आपकी सबकी जो दुआएं हैं वो एक ब्लेसिंग बन के मुझ तक आती हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.